अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास. आज हमने यस्टरडे वी फिनिश्ड आवर शॉर्ट स्टोरी दैट इज़ द अनथैंकफुल मैन. तो टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स क्वेश्चंस. ओके, तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज रमन्स वाइफ फेड अप विद. तो आई हैव नोटेड डाउन द आंसर्स, तो आई विल जस्ट डिक्टेट टू यू. तो क्या पहला क्वेश्चन है कि रमन की वाइफ किस चीज़ से तंग आ चुकी थी. तो श्योरली वी नो शी वॉज फेड अप बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी. तो रमन्स वाइफ वॉज फेड अप विद देयर पॉवर्टी या विद यस विद देयर पॉवर्टी फुल स्टॉप. ओके, देन द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड रमन सी व्हेन ही पीप्ड इनटू द वेल. तो वो बोल रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि रमन ने क्या देखा जब उसने किस में झांका, कुएं में झांका. ठीक है, तो रमन ने क्या देखा, रमन ने वहाँ पे टाइगर देखा था, उसने मंकी स्नेक एंड अ मैन. तो यही हमें लिखना है, रमन सॉ अ टाइगर अ मंकी अ स्नेक एंड अ मैन इन द वेल. ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज रमन स्केयर्ड ऑफ द स्नेक. तो रमन क्यों डरा हुआ था, क्यों सहमा हुआ था जब उसने स्नेक ने उसको बोला था कि मुझे भी बाहर निकालिए. तो रमन वाज स्केयर्ड ऑफ स्नेक बिकॉज ही थॉट ही विल बाइट हिम वंस ही पुल्स हिम आउट. ठीक है, तो सबको पता है कि अगर स्नेक सामने आ जाएगा, सांप हमारे सामने आएगा, तो उसकी फितरत है कि वो डसता है. तो रमन ने भी वैसा ही किया, रमन ने उसको बताया कि अगर मैं आपको बाहर निकालूंगा तो आप मुझे डस लोगे और मैं मर जाऊंगा, तो इसलिए वो डर गया था. ठीक है, रमन वॉज स्केयर्ड ऑफ स्नेक बिकॉज ही थॉट ही विल बाइट हिम वंस ही पुल्स हिम आउट. फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द मंकी डू व्हेन रमन वाज हंग्री. जब रमन वापस घर जा रहा था तो उसने रास्ते में सोचा कि नहीं, मुझे बहुत भूख लगी और मैं मंकी से मिलता हूँ. तो क्वेश्चन है कि मंकी ने उसके लिए क्या किया जब रमन ने उसको बोला कि मैं बहुत भूखा हूँ. देखिए आंसर है, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री, द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री एंड पिक्ड अप स्वीट एंड जूसी मैंगोज फॉर रमन. ओके, then is your next question, fifth one, what did the tiger give him. tiger ne raman ko kya diya. the tiger gave raman a necklace, the tiger gave raman a necklace full stop. uske baad hai sixth question, what did the goldsmith do when raman showed him the necklace. us sunhar ne kya kiya jab raman ne usko wo necklace dikhaya jo raman ko टाइगर से मिला था, और टाइगर को कहाँ से मिला था, उसने शहजादी की जान बचाई थी, तो वहाँ से उसको इन रिटर्न एज अ रिवॉर्ड मिला था. तो आंसर है, द गोल्ड स्मिथ वेंट टू द किंग एंड रिपोर्टेड अबाउट द स्टोलन नेकलेस. ओके, हाउ डिड रमन क्योर द क्वीन. रमन क्योर द क्वीन, कैसे रमन ने क्वीन को ठीक किया. रमन क्योर द क्वीन बाय simply touching her forehead as told by snake. okay, to kya raman cured the queen by simply touching her forehead, jo already usko kisne bataya tha, it was a plan to set raman free, jo snake ne pura plan kar diya, workout kiya, to usne usko bola tha ki aap mamuli se usko forehead pe touch karna, sara zeher khatam ho jayega. to raman cured the queen by simply touching her forehead. Then is the next question, last one, why did the king send the goldsmith to jail. तो बादशाह ने गोल्ड स्मिथ को, सुनार को क्यों कैद खाने में भेज दिया. द किंग सेंट द गोल्ड स्मिथ टू द जेल बिकॉज ही फ्रेम्ड रॉन्ग चार्ज, बिकॉज ही फ्रेम्ड रॉन्ग चार्ज अगेनस्ट रमन, दो Raman has saved his life once, but instead of helping him, he got him arrested. The king comes to know about the whole thing and puts the goldsmith into the prison for the rest of the life. ठीक है, तो क्या ये सारा हमने इसमें डाल दिया है कि कैसे उसको गोल्ड स्मिथ को क्यों जेल भेज दिया जाता है. बिकॉज उसने जब किंग को पता चलती है कि इसने एग्जैक्टली क्या किया है एक ऐसे शख्स के साथ जो काफ़ी मासूम होता है, इनोसेंट होता है, और उसको कैसे फ्रेम किया है, उसको उसके उसने उसकी ज़िंदगी बचाई होती है, लेकिन तभी वो उसको उसके खिलाफ़
जाता है, उसको उसको अरेस्ट करवाता है. दिस इज़ वॉट किंग डज एंड फाइनली ही सेंड्स टू हिम इज जेल टू जेल फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. ओके थैंक यू. तो इसके क्वेश्चंस खत्म हो गए. नेक्स्ट टॉपिक विल बी द लैंग्वेज वर्क.